लाडली लक्ष्मी का गाजे बाजे के साथ महगा में शर्मा परिवार और कैंपस संस्था ने कराया गृह प्रवेश। भिंड जिले के किरतपुरा एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट पॉवर्टी संगठन ने बताया कि भिंड में लिंगानुपात में भारी अंतर था। यही अंतर लोगों की सोच में भी दिखाई देता था। शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों के साथ भेदभाव करते हुए उन्हें सिर्फ प्राइमरी और मिडिल तक ही पढ़ाया जाता था, लेकिन संगठन की ओर से घर में जन्मी बिटिया को गाजे बाजे के साथ गृह प्रवेश कराया जाता है ताकि भिंड में बेटियों के प्रति लोगों के बीच जागरूकता बढ़े। भिंड के महगांव में देखने को मिला, जहां सुशील शर्मा और राघिनी शर्मा को बेटी और प्रदीप शर्मा को नातिन के रूप में कन्या रूपी लक्ष्मी ने जन्म लिया। ग्वालियर के एक निजी अस्पताल से जब लाडली घर पहुंची तो कैंप संस्था के द्वारा महगांव स्थित शर्मा निवास पर रास्ते में फूलमाला, तुलादान, पैरों की छाप आदि कार्यक्रमों को गाजे बाजे के साथ संपन्न कराया। प्रदीप शर्मा के मुताबिक उनके परिवार में ये कन्या रूपी रत्न 50 साल बाद आया है। कैंप संस्था के प्रमुख तिलक सिंह भदूरिया ने बताया कि समाज में हो रहे बेटे बेटियों के फर्क ने उन्हें प्रेरणा दी कि वो बेटियों के उत्थान और उनके प्रति लोगों को जागरूक करें, तो उन्होंने ये आयोजन शुरू किया था और धीरे धीरे उनके साथ लोग जुड़कर इस संस्था के सदस्य बन गए। इस तरह के सामाजिक प्रयास से लोगों में बेटियों के प्रति अवश्य ही जागरूकता पैदा होगी और लोग बेटी को बचाने और शिक्षित करने के लिए आगे जरूर आएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चियों के प्रति लोगों में समाज में बदलाव आए, इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हमने छोटी सी मुहिम चला रखी है जिसको नाम दिया है नन्ही परी स्वागत महोत्सव। और इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जब भी कोई बच्ची जन्म लेती है तो उसका चिकित्सालय से जब भी वो डिस्चार्ज होती है, पहली बार जब वो घर आती है तो उसका प्रथम गृह आगमन पारंपरिक तरीके से करते हैं, जिसमें उसके परचिन्हों की छाप ली जाती है, तुलादान और कलश आचमन जैसे कई कार्यक्रम हमने आयोजित किए, रूपरेखा बनाई है। इसका कारण ये है कि जब लोग इसको देखेंगे, हम जिस भी जगह करते हैं इस कार्यक्रम को, तो वहाँ से दूसरे व्यक्ति उससे प्रभावित होते हैं और ऐसे कार्यक्रम निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और आज 60वीं कन्या का स्वागत किया गया है अभी तक संगठन के माध्यम से, और पहली कन्या जो है महंगाव में पहली बार जो है आज हम आए हुए हैं बड़े भाई सुशील शर्मा जी की जो बच्ची हुई है उसके स्वागत के लिए, तो पहला कार्यक्रम आज महंगाव में।